समय आया, महिषासुर ने उत्पात मचाया, दान धर्म पुण्य यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ सब बंद करवा दिया, सारे बंद करवा दिया। बड़ा दुख हुआ। भगवान नारायण ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना करी, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी प्रभु कृपा करिए। क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं, आप संहार के देव हो नाथ, वो महिषासुर उपद्रव मचा रहा है, उत्पात कर रहा है, तो क्या करूं मैं? बताओ क्या करना है? उस महिषासुर को ब्रह्मा जी का वर है, नारी के हाथ से मरेगा। अब नारी लक्ष्मी को भेज नहीं सकता, संहार कर नहीं सकता, ब्रह्माणी वीणा देवी संहार कर नहीं सकती। तो कहा, अगर कोई कर सकती है तो वो माता जगदम्बा पार्वती ही कर सकती है। क्यों? सत मार्ग, सत ज्ञान, सत बुद्धि, सत विद्या, सत मार्ग को प्रशस्त अगर कोई कर सकती है तो वो मां कर सकती है। इसलिए ये जननी भी है, जन्मदात्री भी है, और काल काली भी है। इनको बोलो। शंकर जी ने पार्वती को बुलाया, अंबा, ए अंबा, अंबा आई, नाथ आज्ञा दीजिए। अंबा, महिषासुर ने बहुत क्लेश मचा कर रखा है, एक काम करोगी? बोलो नाथ, बोलिए क्या करना है। एक काम करो अंबा, तुम ब्रह्माणी और लक्ष्मी का साथ लो और त्रिशक्ति को इकट्ठा कर एक देवी प्रकट हो और दुर्गा बनकर, जगदम्बा बनकर, मां महिषासुर मर्दनी बनकर महिषासुर पर टूट पड़ो, टूट पड़ो। छोड़ना नहीं है। ठीक है, जगदम्बा ने सिंह को बुलाया, शेर से कहा, सुन रे सिंह, मेरा चरण तेरे सिर पर होगा, दूसरा चरण तेरे पीठ पर होगा, जब कूदूं मैं तो मेरा जो त्रिशूल है वो त्रिशूल महिषासुर के।